अंतर्गत रमा गोविंद में खुली एक कोचिंग पर संचालक को निकालकर शिक्षकों ने किया कब्जा। संचालक शिकायत लेकर पहुंचा अमैया थाने। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ की। अमैया थाना अंतर्गत रमा गोविंद में खुली एक कोचिंग पर संचालक को निकालकर शिक्षकों ने किया कब्जा। संचालक शिकायत लेकर पहुंचा अमैया थाने। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच की प्रारंभ। संचालक को शिक्षकों ने कोचिंग से बाहर का रास्ता दिखाया, कोचिंग सेंटर पर किया कब्जा। कोचिंग संचालक और शिक्षकों के बीच का विवाद पहुंचा थाना। शिक्षा के नाम पर रीवा जिले में कोचिंग संस्थानों की भरमार हो गई। रीवा जिले में सिरमौर चौराहा स्थित रमा गोविंद में कोचिंग संचालकों की दुकानदारी जमकर चल रही है। यहाँ पर ढेर सारे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। एक तरीके से कहा जाए तो यह रीवा का कोचिंग हब बन गया है। यहाँ पर सुबह से शाम तक छात्र ही आपको नजर आएंगे। कुछ कोचिंग में बेहतर टीचर तो कुछ में ऐसे ही, बस ना तो योग शिक्षक ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं। झूठे वादे और प्रचार प्रसार कर छात्रों के साथ ठगी का एक जरिया भी बन गया है आजकल कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर का विवाद रमा गोविंद से निकलकर पुलिस थाने तक पहुंच गया। दरअसल एक व्यक्ति पुलिस के पास पहुंच गया इस बात की शिकायत लेकर। उसने जिन शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखा था अपनी कोचिंग में, उन्होंने उसे भगा दिया है, मारने की धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, कोचिंग संचालक और यहाँ पढ़ाने वाले लोगों के बीच इन दुकानों पर कब्जा करने का मामला थाना पहुंचने लगा है। रमा गोविंद में संचालित पीएस विजन एकेडमी कोचिंग सेंटर का यह पूरा मामला। हाँ, ये अजय कुमार कुशवाहा जी हैं, इनकी ये विजन एकेडमी कोचिंग सेंटर है रमा गोविंद पैलेस में। इनने एक शिकायत दी है कि कुछ शिक्षकों को इनमें रखा था क्लास लेने के लिए, उनके द्वारा इनकी कोचिंग पे कब्जा कर लिया गया है। तो अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अपन लेबर ऑफिस से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किसके नाम पे कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है। जानकारी आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरी कोचिंग रमा गोविंद पैलेस में चल रही है, PSS विजन एकेडमी। मैं इस कोचिंग में जून माह में पंचायत चुनाव था तो मैं चला गया था पंचायत चुनाव में, तो कुछ दिन के लिए चला गया था, 10-15 दिन के लिए। उसके बाद जब मैं वापस आया कोचिंग में, जब जो हमारे सहयोगी हैं उनसे मैं बात किया कि अब मुझे फिर से यहाँ कंटिन्यू करना है, मुझे बैठना है, आप लोग ठीक है आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इनसे बात की गई तो ये मुझे मतलब कोचिंग से निष्कासित करने का, मतलब कि आप यहाँ आपका आपका कोई अधिकार नहीं है, अब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप अगर यहाँ दोबारा यहाँ दिखे पैलेस में तो आपको जान से भी मारा जाएगा और यहाँ आपको बेइज्जती भी की जाएगी। ये पुनीत, शिव, संजय, पुनीत पांडे, शिव गुप्ता और संजय सिंह। कोचिंग संचालक आप हैं? हाँ, कोचिंग संचालक मैं हूँ। PSS बिल्डिंग जो दी गई थी, मैं किराए से बिल्डिंग लिया हूँ जी, मैं लिया हूँ। रेंट जैसे मैं एक अनिल सिंह चौहान का लिया हूँ और एक जितेंद्र सिंह का लिया हूँ और एक त्रिपाठी जी हैं उनका। इसका लिखा पड़ी हुई होगी ऐसे? हाँ, उसका है। हाँ, रेंट एग्रीमेंट है मेरे पास उसका। किराया कैसे अधिकार? किराया मैं देता हूँ, मैं जैसे देता था उनको, जो भी किराया देता था रेंट, तो मेरे करंट अकाउंट से जाता था। करंट अकाउंट मेरे कोचिंग के नाम है और वो जैसे जो भी कटता था तो कोचिंग से मैं देता था उसको। जैसे किसी को अगर कैश भी देता था, ऐसा नहीं है, पर अक्सर करंट अकाउंट से ही डेबिट होता। सभी लोग शिक्षक हैं? हाँ, मैं शिक्षक हूँ वहाँ का। संचालक थे अभी तक? हाँ, मैं आप संचालक हूँ वहाँ का जी। अभी मतलब ये संचालक थे, अब हाँ अधिकार छीना जा रहा है मेरा वहाँ पे। मैं वहाँ संचालक के तौर पर था, अब मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है जान से मारने की और अवैध कोचिंग में कब्जा करने की।